सीकर लोक परिवहन बस ने स्कूल बस को टक्कर मारी है। हादसे में आधा दर्जन बच्चे घायल हुए हैं। दो बच्चों की घटनास्थल पर ही मौत हुई है। चार बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायल बच्चों को भिजवाया पलसाना राजकीय चिकित्सालय। रानोली पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने घटना की पुष्टि की है। पलसाना के औद्योगिक क्षेत्र की पूरी घटना, बस के चालक को लिया हिरासत में। बस को किया पुलिस ने जब्त। दुर्घटना के बाद काफी देर तक हाईवे पर आवागमन बंद रहा। बड़ी और दुखद खबर इस वक्त आपके सामने, और आपको बता दें कि सीकर लोक परिवहन बस ने स्कूल बस को टक्कर मारी है। हादसे में आधा दर्जन बच्चे घायल हुए हैं। दो बच्चों की घटनास्थल पर ही मौत हुई है। चार बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायल बच्चों को भिजवाया पलसाना राजकीय चिकित्सालय। रानोली पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने घटना की पुष्टि की है। पलसाना के औद्योगिक क्षेत्र की पूरी घटना, बस के चालक को लिया हिरासत में। बस को किया पुलिस ने जब्त। दुर्घटना के बाद काफी देर तक हाईवे पर आवागमन बंद रहा। कल भी ऐसी ही दुर्घटना सामने आई थी और हादसे में दो बच्चों की मौत हो गई थी। अब ऐसे में स्कूल खुले ही हैं और इस तरीके की घटनाओं का सामने आना वाकई में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रमेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश, देखिए बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण ये खबर और दो बच्चों की मौत इस हादसे में। बिल्कुल आयुषी, बताना चाहूंगा कि सुबह सुबह ही आज ये बड़ी दुखद घटना हुई है कि आज स्कूली बस है उसके पीछे से लोक परिवहन बस ने टक्कर मारी है और पलसाना के औद्योगिक क्षेत्र के पास जो डर सरस की डेयरी है वहां ये दुर्घटना हुई है और दो बच्चों की घटनास्थल पे मौत हुई है। तो छह बच्चे हैं वो घायल हुए हैं, उनमें दो बच्चों की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप के मुताबिक जो बस का चालक था उसे पुलिस ने हिरासत में लिया है और बस को जब्त कर लिया है और इस पूरी घटना में कहीं न कहीं थोड़ी देर के लिए राजमार्ग भी बाधित हुआ है, आवागमन बाधित हुआ। लेकिन ये दोनों जो बच्चे हैं आयुषी, इनकी भी पहचान हुई है। दोनों सीकर जिले के लड़ाना गांव के हैं और ये निजी स्कूल बस थी जिसको पीछे से लोक परिवहन बस ने टक्कर मारी है। रमेश, बच्चों के नामों के बारे में जानकारी लग पाई जिनकी डेथ हुई है? बिल्कुल, एक ही गांव के हैं और एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। लड़ाना गांव है, परसाना कस्बे के पास का ही, वहां के ये दोनों बच्चे थे और उन दोनों की घटनास्थल पे मौत हुई है। बाकी जो शेष बच्चे हैं उनका परसाना के राजकीय चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। चिकित्सालय को क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं वहाँ पे डॉक्टर्स को? बिल्कुल, डॉक्टर्स बाकी जो शेष बच्चे उनका उपचार कर रहे हैं। प्रयास यही है कि आगे किसी बच्चे की कैजुअलिटी नहीं हो, उसके लिए बेहतर से बेहतर प्रयास किया जा रहा है और जो बच्चे गंभीर हैं उन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। चलिए रमेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।